खरगोन जिले में निजी बैंक के कर्मचारी को गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला गोगावा पुलिस थाना क्षेत्र की अहीर खेड़ी चौकी का है, जहां निजी बैंक का 22 वर्षीय कर्मचारी अमित भावसर बैंक की वसूली के लिए गया हुआ था। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने उसे एक के बाद एक दो गोली मारकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अमित को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर आई थी। पीठ पे गोली लगी हुई है, बैंक का कर्मचारी है, दो गोली लगी है, शरीर से बाहर नहीं निकली और हालत अभी स्थिर है, तो इसलिए इंदौर रेफर किया है। क्या नाम बता रहे हैं सर? अमित पिता अनिल, 22 साल का लड़का है। क्या घटना बताई जा रही? ये शायद वसूली करने वाले हैं बैंक से, तो किसी ने गोली मार दी। एक्सरे हो गया, दो हैं, दो गोलियां हैं, एक शोल्डर पे है और एक लेफ्ट साइड चेस्ट में है। क्या स्थिति लग रही है? स्थिर है। क्या नाम लिखा था? डॉक्टर विनय वास्कल। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। खरगोन से त्रिलोक रामणिकर की रिपोर्ट।